If a plus b plus c not equal to 0 and a b c b c a c a b equal to 0, then using the properties of determinant prove that a equal to b equal to c. यानी कि वो कह रहा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो के बराबर ना हो और ए जो डिटर्मिनेंट दिया गया है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो, तो इसके डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए प्रूव करना है कि ए बी सी वो जो है बराबर हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे को जो गिवन डिटर्मिनेंट है उसको हम एक बार लिख लेते हैं और फिर हम यहाँ पर जो है इसकी जो है देखते हैं कि इसमें जो तीनों जो रोज़ हैं या तीनों कॉलम हैं उनमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे मतलब डिफरेंट हैं और उनका सबका अगर हम ऐड करते हैं उनको, तो चाहे रो वाइज करें या कॉलम वाइज हमेशा ए प्लस बी प्लस सी आएगा। तो हम तीनों रोज़ को ऐड कर देंगे, आर वन की जगह आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री करेंगे, तो हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में आएगा कि यहाँ पर हमारे को ए में बी प्लस सी जुड़ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसी तरह बी में सी और ए जुड़ जाएंगे तो बी प्लस सी प्लस ए आ जाएगा, इसी तरह सी में ए और बी प्लस हो जाएंगे तो सी प्लस ए प्लस बी आ जाएगा, और बाकी की दोनों रोज बी सी ए और सी ए बी एज इट इज हम लिख देते हैं। अब फर्स्ट रो में आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाला जा सकता है, तो इसको जो है हम कॉमन आउट कर देंगे और जो है इसमें से है ए प्लस बी प्लस सी को बाहर निकालते हैं, तो फर्स्ट जो रो है उसके सारे एलिमेंट जो हैं वो वन 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 हो जाएंगे और सेकंड और थर्ड रो जो है वो एज इट इज़ लिख दी जाएगी। तो नया डिटर्मिनेंट इस तरह से बनेगा, आप देखेंगे कि ये हो गया, इधर फर्स्ट रो में आ गया वन 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 और फिर सेकंड जो है वही बी सी ए और थर्ड जो है वो सी ए बी होगी। अब जो है हमारे को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम जो है इसमें से फर्स्ट वाला जो आपका कॉलम है उसमें जो है सी उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वन है, सेकंड वाले कॉलम में भी फर्स्ट एलिमेंट वन है और थर्ड वाले कॉलम में भी फर्स्ट एलिमेंट वन है, तो हम क्या करें यहाँ पर कि सी टू में से अगर सी वन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे को एक जीरो मिल जाएगा और सी थ्री में से भी अगर सी टू को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास जो है दूसरा जीरो आ जाएगा। तो सी टू की जगह पर हम सी टू माइनस सी वन लिखेंगे और सी थ्री की जगह पर जो है सी थ्री माइनस सी वन लिख देते हैं, और तो हमारे को जो नया डिटर्मिनेंट आएगा वो इस प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका ये डिटर्मिनेंट में जो है ए प्लस बी प्लस सी, जैसा कि बाहर कॉमन हमने निकाला था वो लिख देंगे, और जो है उसके बाद जो है ये जो अभी ऑपरेशन करे हैं लिखे हैं कि सी टू की जगह सी टू माइनस सी वन लिखना है, तो पहले कॉलम वन को हम लिख लेते हैं क्योंकि इसको कुछ नहीं करना है। अब वन में से वन गया सेकंड कॉलम वाले में से तो ज़ीरो हो गया, और सी में से बी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी माइनस बी, ए में से सी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए माइनस सी आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड वो थर्ड वाले कॉलम में वन में से वन माइनस करेंगे ज़ीरो, और ए में से बी माइनस करेंगे ए माइनस बी, और सी में बी में से सी माइनस करेंगे तो बी माइनस सी आ जाता है। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट रो में दो एलिमेंट ज़ीरो मिल गए, तो हम इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग जो है अगर एक्सपेंड करते हैं तो हमारे को टू बाई टू का एक डिटर्मिनेंट मिलेगा। अब जो है हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे को दो जीरो मिल चुके हैं, तो हम जो है आर वन के अलॉन्ग इसको जो है एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, और वन का जो कोफैक्टर है वो जो है हमारे पास आ जाएगा ये सी माइनस बी इंटू बी बी माइनस सी, तो सी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी, और सी को माइनस सी से करेंगे माइनस के सी स्क्वायर, माइनस बी को बी से करेंगे माइनस के बी स्क्वायर, और माइनस बी को प्लस माइनस के सी से करेंगे तो प्लस के बी सी आएंगे। इसी तरह से ए को ए से करेंगे ए स्क्वायर, माइनस कर देंगे तो माइनस के स्क्वायर से साइन बदलना है, ए को माइनस बी से करेंगे माइनस के बी, साइन बदलने में प्लस के बी, माइनस सी को ए से करेंगे माइनस ए सी और साइन बदलने से प्लस के ए सी, माइनस सी को माइनस बी से करेंगे प्लस के बी सी लेकिन साइन बदलने से माइनस बी सी आएगा, माइनस बी सी प्लस बी सी से कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास आया ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में हो गया हमारे पास, देखिए यहाँ पे ए बी है, प्लस में हमारे पास बी सी भी है, और ए सी को हम सी ए लिख सकते हैं, तो प्लस में सी ए है और ए सी भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है इधर जो है हम लिख देंगे माइनस के स्क्वायर, माइनस के बी स्क्वायर, माइनस के सी स्क्वायर।
अब क्या करें कि हम इसको जो है अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, हम एक टू से डिवाइड करके टू से मल्टीप्लाई कर दें तो, और माइनस का साइन भी कर दें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के हो जाएंगे और ए बी बी सी ए सी जो है वो माइनस के हो जाएंगे और और साथ में इनके दो इनका मल्टीप्लाई भी हो जाएगा तो ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस के, टू बी स्क्वायर प्लस के और टू सी स्क्वायर प्लस के, क्योंकि माइनस टू से इनको मल्टीप्लाई किया है तो माइनस टू से ए बी को करेंगे माइनस के टू ए बी, प्लस के बी सी को माइनस टू से करेंगे माइनस के टू बी सी और प्लस के ए सी को माइनस टू से करेंगे माइनस के टू ए सी हो जाएगा। अब जो है हमने क्या करना, माइनस के वन बाय टू इधर लिखा, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। अब जो है टू ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर जो है यहाँ हम ले लेते हैं और माइनस के टू ए बी जो है वो इसके साथ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के साथ लेते हैं। तो अब टू ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर ले लिया और बी स्क्वायर में से भी एक बी स्क्वायर ले लिया। अब दूसरे वाला बी स्क्वायर जो है हम यहाँ पे ले लेंगे और साथ में सी स्क्वायर भी ले लेंगे और माइनस के टू बी सी भी ले लेंगे। तो ये जो है हमने यहाँ पे ले लिया तो दोनों बी स्क्वायर यूज़ हो गए, सी स्क्वायर जो दो थे उसमें से एक यूज़ कर लिया और बचा हुआ सी स्क्वायर यहाँ यूज़ कर लिया और साथ में इसके पहले जो एक ए स्क्वायर बचा था वो भी यूज़ कर लिया और माइनस के टू ए सी के साथ इनको बना दिया। अब जो है हम देख रहे हैं ये तीन तीन के जो जोड़े बने हैं तो इसको जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के टू ए बी जो है ये जो है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और बी स्क्वायर माइनस टू बी सी प्लस सी स्क्वायर जो है ये बी माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा और इसी तरह से सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर जो है सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आ गया। अब जो है क्योंकि ए बी ए प्लस बी प्लस इनकी जो है डिटर्मिनेंट जो हमने लिया था उसकी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल गिवन है तो गिवन होने की वजह से जो है इसको हम ज़ीरो के इक्वल रखते हैं। तो ज़ीरो के इक्वल रखने से जो है हम देखेंगे कि माइनस के वन बाय टू तो ज़ीरो के इक्वल हो नहीं सकते इसका, और ए प्लस बी प्लस सी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रैकेट में ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए स्क्वायर हैं इनका जो वैल्यू है वही जीरो के इक्वल होगी। तो इसको कंपेयर करने पर हमारे पास आया क्योंकि माइनस के वन बाय टू भी ज़ीरो नहीं है हो सकते, ए प्लस बी प्लस सी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकते। तो जो है हमने ये यहाँ देखेंगे कि ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा, लेकिन किन्हीं भी नंबरों का स्क्वायर का सम ज़ीरो नहीं हो सकता, अदरवाइज़ कि वो नंबर जो हैं उनका डिफरेंस जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो। मतलब ये a माइनस बी ज़ीरो के इक्वल हो, b माइनस सी ज़ीरो के इक्वल हो, c माइनस ए ज़ीरो के इक्वल हो, तो ज़ीरो के स्क्वायर ही का सम ही ज़ीरो हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी ज़ीरो के इक्वल है तो इसका मतलब a इक्वल टू b हो गया और b माइनस सी भी ज़ीरो के इक्वल है इसका मतलब b इक्वल टू c हो गया और c माइनस ए का जो है c माइनस ए ज़ीरो के इक्वल है तो c इक्वल टू a हो गया। इसका मतलब a b के इक्वल है, b c के इक्वल है और c a के इक्वल है, इसका मतलब a इक्वल टू b इक्वल टू c हुआ। यही हमारे को प्रूव भी करना था तो प्रूव्ड हुआ। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह के और जो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और मेरे चैनल द मैथ्स गुरुदेव को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।